कौन हो तुम? अंजारन। मगर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात रात और दिन मेरे लिए एक जैसे हैं। परसों बाद इस हवेली में रोशनी देखी तो ये सोचकर चली आई कि नए मालिक आए हैं। आप यहाँ के नए मालिक हैं? नहीं मालिक नहीं, मैं तो ब्रोकर हूँ, दलाल जानकी दास। इस हवेली का सौदा करवा रहा हूँ। सौदा? हाँ, मालिक और खरीदार अभी दोनों ही आने वाले हैं। पर मालिक की हवेली बेचना क्यों चाहते हैं? इसलिए ये हवेली कम और भूतिया माल ज्यादा है। मैडम तुम नहीं जानती, इस हवेली में कई मौतें हो चुकी हैं। जो भी यहाँ रहने आता है वो ईश्वर को प्यारा हो जाता है। और जो खरीदेगा उसका क्या? उसे अपनी जान की फिक्र नहीं? वो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो फिक्र है कब वो लोग आए, कब सौदा पटे और कब मुझे कमीशन मिले। मैडम ये कील निकल गया है, हथौड़ी मिलेगी? जरूर मिलेगी। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। चलिए भाई साहब। जानकी दास, जानकी दास। लगता है जानकी दास आया ही नहीं। हवेली तो हमें पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, सवाल था सिर्फ तुम्हारी भाभी की पसंद का। अरे इतनी खूबसूरत हवेली खरीदने के बाद भी मुझे दिखाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपको हवेली पसंद है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल पसंद है। तो शुभ काम में देर किस बात की, हवेली हमारी हो गई। दीपक साहब ये लीजिए एडवांस। हवेली खरीदने आए हो? इस हवेली में मैं रहती हूँ। नहीं, इसे खरीदने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। जो हवेली खरीदेगा उसका यही हश्र होगा। यहाँ मरने वाले को कफन भी नसीब नहीं होता। नहीं नहीं, हम ये हवेली नहीं खरीदेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मुझे यहाँ से ले चलो। चलो ले चलो मुझे। चले, चले। रुक जाओ सतीश, भाभी रुक जाओ। मैं अपनी जान प्यारी है, हमें जाने दो। हमें नहीं चाहिए ये हवेली, हमें जाने दो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए ना। चलो। तू है कौन? सामने आ। तू कौन होती है इस हवेली को खरीदने और बेचने से रोकने वाली? चिड़िया के घोंसले को हाथ लगाने जाओ तो चिड़िया भी काटने आती है। और तू मेरा घर बेचना चाहता है? तेरा घर? इस हवेली का मालिक मैं हूँ। मैं मेरी हवेली के किसी कोने में तुझ जैसी चिड़िया घोंसला बनाकर खुद का हवेली की मालिकी समझ बैठे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जानकी दास की मौत देखने के बाद तुझे अपने आप पर दया नहीं आती? दया तो मुझे तुझ पर आती है। सुबह होते ही इस हवेली पर बुलडोजर फिरवा दूंगा और तेरा ये घोंसला नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये हवेली मेरी यादों और उम्मीदों का मंदिर है। तेरा ये मंदिर खुदवाकर इसकी जगह तेरी कब्र बना दूंगा और इस कब्र पर 5-स्टार होटल बनाऊंगा। 5-स्टार होटल। बस बहुत हो गया। इस तरह से मुझे डराकर तू समझती है मैं यहाँ से चला जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। अब मैं तुझे जाने ही कहा दूंगी। जादूगरनी, अपना जादू दिखाकर तू मेरा इरादा नहीं बदल सकती। सुबह सूरज निकलता है मैं तुझे। तेरी सुबह अब कभी नहीं होगी। Ha 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 ha
की बात है, उस हवेली में खून पे खून हो रहे हैं और हमारा डिपार्टमेंट उस खूनी तक पहुंचना तो दूर, एक मामूली सुराग तक नहीं ढूंढ सका। खूनी कौन है, क्यों खून कर रहा है? और ताजुब की बात तो यह है, खून हर उस आदमी का हुआ है जो उस हवेली को खरीदना चाहता था। कल तो हवेली के मालिक का भी खून हो गया। मिस्टर वर्मा, यस सर, 20 साल पहले आप उस इलाके में इंस्पेक्टर रह चुके हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप शायद इस खून भरी दास्तां पर कुछ रोशनी डाल सके। ये कहानी सभी जानते हैं। उस हवेली के पीछे बंजारों की एक बस्ती थी, उसमें दो प्रेमी रहा करते थे, निशा और सूरज। तो जिस्मों में एक जान हो सकती है, सुना तो बहुत था लेकिन देखा पहली बार था। निशा और सूरज एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। सूरज, कहती हूँ कि अगर बादल से मेरी शादी हो गई तो निशा अपने ही अंधेरे में घुटकर दम तोड़ देगी। नहीं निशा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आज ही तुम्हारे बाबा से अपने प्यार का वास्ता देकर बादल से तुम्हारा रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। बादल की बातें जब भी याद आती हैं, मेरा दिल कांप उठता है। कहता था, निशा रात को कहते हैं, निशा और सूरज जन्मों से एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं। सूरज आता है तो निशा चली जाती है, निशा आती है तो सूरज चला जाता है। इतिहास गवाह है, हम दोनों का मिलाप न कभी हुआ है न कभी होगा। नहीं निशा, हमारा मिलन होगा, हम इतिहास को झूठा कर देंगे। सूरज, निशा, बादल, इतिहास को झुठलाना इतना आसान नहीं मजनू की औलाद। और तू कैसे खुल्लम खुल्ला होंठों को होंठों का नाम दे रही थी? हाँ बेशरम, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? आज तेरी वजह से सारे जमाने के सामने मेरी आंख झुक गई। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया बाबा जिसके लिए आपको दुनिया के सामने आंख झुकानी पड़े। प्यार करना कोई पाप नहीं है बाबा। अरे वाह, शादी मुझसे होने वाली है और चंदन का झाड़ समझकर नागिन की तरह लिपट रहे हो इस हरामजादे से। गाली मत दे बादल, वरना तेरी जबान खींचकर हाथ में दे दूंगा। अच्छा, गाली नहीं दूं तो क्या मैं तेरी आरती उतारूं? अपने सर पर बंधने वाला सहरा क्या मैं तेरे सर पर बांधूं? हाँ, गैर की हांडी में मुंह डालने वाला कुत्ता भी एक बार अंजाम सोचता है, मगर तू तू तो कुत्ते से भी बदतर है। कुत्ता तो तू है हरामजादे, जो कुत्ते की तरह मेरी थाली का टुकड़ा नोच लेना चाहता है। इससे पहले कि तू मेरे प्यार को काट कर उसके दामन में जहर भर दे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बादल। सूरज, एक तो कबीले की लड़कियों के इज्जत पर हाथ डालते फिरते हो और उस पर तुम्हारी ये हिम्मत, हमारे होते हुए हमारे लड़के पर हाथ उठाया। हम तुझे पहले भी 2 बार चेतावनी दे चुके हैं, ईशा की शादी हमारे बेटे बादल के साथ होने वाली, तू उसके रास्ते की दीवार मत बन। दीवार तो आप हमारे प्यार के रास्ते में बन रहे हैं सरदार। आप जिस्म को रूह से और रूह को जिस्म से अलग कर रहे हैं। मैं और निशा एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। अरे मरने का इतना ही शौक है तो जा, जा खेला, जा के मर। अपने साथ मेरी होने वाली जो रुक खड़ा क्यों घोट देना चाहता है? हाँ बाबा, मैं सूरज से प्यार करती हूँ और सूरज से ही शादी करूंगी। कबीले के कानून तोड़ने और लाज की हद पार करने वाली लड़की के साथ क्या सुलूक होता है जानती हो? प्यार अंधा होता है सरदार, उसे कोई नियम कोई हद दिखाई नहीं देती। वो किसी भी सुलूक की परवाह किए बगैर अपनी हद से गुजर जाता है। सरदार के सामने कंचे की तरह जुबान चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे अंधे प्यार की आंखें तो मैं खोलूंगा। घर की हद से बाहर पाव तब रखेगी जब मुझसे तेरी शादी हो जाएगी। चल, निशा का हाथ छोड़ दे बादल, वरना सोचता रहेगा तेरे बाजू में हाथ था या नहीं। हट, कर रहे हो उसे हटा बादल। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सरदार, सरदार उन्हें रोक लो सरदार, मेरे सूरज को बचा लो सरदार।
रोक लोगे सरदार? सूरज, मार डालो, मार डालो। इस बार तो तेरी जिंदगी हम बख्श देते हैं। सूरज, एक बात याद रखना, आइंदा कभी बस्ती के आसपास भी तेरी परछाई नजर आई, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हो गया सूरज, चलो छोड़ दो, बहुत हो गया। मैं कैसे छोड़ दो मुझे सरदार? चल। आज के बाद अगर बाहर पांव रखा या उस कमीने से मिलने की जुर्रत की तो मैं सिर्फ तेरे पांव ही नहीं तोड़ूंगा बल्कि उस हरामजादे सूरज की जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा कर दूंगा। तो निशा, कब तक आंसू पी पी कर पेट भरती रहेगी? खा खा ले, तेरे बाप ने भी अभी तक नहीं खाया। देख, अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना बाबा? पगले, मेरी तो जान बसती है तुझ में और तुम मुझसे पूछती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो बाबा? इतना प्यार करते हो और प्यार को समझते नहीं? बेटे, मैं और सूरज भी एक दूसरे को इतना ही प्यार करते हैं, मुझे खिलाए बिना तुम्हारा पेट नहीं भरता ना। पापा सूरज ने खाया नहीं ये सोचकर मेरे गले से निवाला नहीं उतरता, मैं कैसे खा लूं बाबा? मेरा सूरज भूखा होगा ना बाबा? इतने जख्म खाने के बाद खाने की जरूरत नहीं रहती और फिर प्यार के भूखों का पेट खाने से भरता है क्या? इसीलिए निशा भी भूखी है। दया आती है तुम दोनों की हालत पर, तरस आता है प्यार की तकदीर पर। जमाने को तरस क्यों नहीं आता बिजली, जो मेरी निशा छीन कर मुझसे जीने की हसरत छीन ली। हसरत छीन ली सूरज? हाँ, मैंने मरने का फैसला कर लिया है बिजली। निशा मेरी नहीं हो सकती और मैं निशा के बगैर जी नहीं सकता, ना ही मैं निशा को किसी और की होते हुए देख सकता हूं। बस एक बार, मरने से पहले एक बार मैं अपनी निशा को देखना चाहता हूं। ये रोने और अपने आप को खोने का वक्त नहीं है निशा, फैसला करने का वक्त है, जैसे सूरज ने फैसला कर लिया है। फैसला? हाँ, मरने का फैसला। क्या? और मौत को गले लगाने से पहले सिर्फ एक बार वो अपनी निशा को गले लगाना चाहता है। मैं उसे रोक कर आई हूँ, पुराने खंडर में वो तेरा इंतजार कर रहा है। तू यहाँ की फिक्र मत कर, मैं सब संभालूंगी, तू जा। सूरज, सूरज, निशा। सूरज, ये क्या सूरज, जिसके हाथों में मेहंदी रचाने से तुम्हें जमाने ने रोका, तुमने उसे अपने खून से रच दिया। तुम्हारी याद और मिलन की तड़प दिल की रगों को तोड़ने लगी तो दिल का गुबार निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। मैं इसे प्यार कहूं या दीवानगी? पूजा, ये मेरी पूजा है निशा। लेकिन बिजली तो कह रही थी कि ये पुजारी पूजा से थक गया है और मरने का फैसला कर बैठा है। मरने का नहीं, इस दुनिया को ठुकराने का, जिसने दिल की दुनिया को उजाड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि निशा एक आत्मा है जो तुम्हारे शरीर में रहती है, अगर तुम नहीं रहे तो ये बिरहन बिरहा के अंधेरे में खो जाएगी। सूरज, मेरी जिंदगी और जीने का मकसद तुम हो निशा, जब मेरी जिंदगी पर ही बादल छा जाएगा तो इस जिंदगी में जीने के लिए क्या रह जाएगा निशा? तुम क्या समझते हो मेरी जिंदगी का मकसद बादल है? नहीं सूरज, नहीं, बादल की तकदीर में तो सिर्फ करिश्मा और आंसू बहाना लिखा होता है। निशा, सूरज,
हम साथ जी तो नहीं सकते लेकिन साथ मर तो सकते हैं। दुनिया के दस्तूर पांव की जंजीर बन सकते हैं, मौत की नहीं। जमाना जिंदा लाशों का मिलन रोक सकता है, आत्माओं के मिलन को नहीं रोक सकता। याद है बादल ने कहा था कि इतिहास गवाह है सूरज और निशा का मिलन कभी नहीं हो सकता। आज इतिहास को झूठ लाने का और जमाने को दिखाने का वक्त आ गया है कि प्यार करने वाले जिस्मों के मिलन पर नहीं आत्माओं के मिलन पर भरोसा करते हैं। हाँ निशा, हाँ। देख रहे हो सूरज? जी भर कर देख लेने दे निशा, तेरा चेहरा आंखों में बसा करिए, आंखें बंद करना चाहता हूं। मुझे अपनी आंखों में नहीं अपनी आत्मा में बसा लो सूरज, ताकि जिंदगी हम दोनों को जुदा ना कर दे। नहीं कर सकेगी निशा, हमारी मौत हमारा मिलन तो करवाएगी ही और दुनिया के लिए यह पैगाम छोड़ जाएगी कि प्रेम करने वालों को इतना ना सताओ कि प्रेमी घबरा कर मौत की चादर ओढ़ ले। सूरज निशा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों के असूलों और जिद की बलि चढ़ गए होते अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता। इनकी लाशें पड़ी होती आप लोगों के सामने और आप लोग शादी और डोली का बंदोबस्त करने के बजाय इनकी अर्थी और चिता का बंदोबस्त करने में लगे होते। अब भी अगर आपने बादल की शादी का सुहाग जोड़ा, निशा को पहनाया, तो वो कफन होगा इन दोनों के लिए। मुझसे रिश्ता जोड़ने के बाद अगर ये मेरा सुहाग जोड़ा नहीं पहनेगी तो वो कफन ही होना चाहिए इसके लिए। तुम्हारी नसीहत सुनकर तो मैं अपनी मंगेतर का हाथ किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। अगर ये दोनों मर जाते तो शमशान को लगन मंडप और सूरज की चिता को अग्नि समझकर निशा की लाश के साथ फेरे ले सकते थे। हाँ इंस्पेक्टर, ये हमारा कबीला है और यहाँ हमारे अपने कानून चलते हैं और हम कबीले के मामले में किसी की भी दखलअंदाजी नहीं चाहते। यहाँ कबीले के कानून नहीं आपकी मनमानी चलती है। इनकी जिस जिंदगी को आप अपनी मनमानी पर कुर्बान कर देना चाहते थे, उस जिंदगी को जब इन्होंने दरिया की कब्र में दफन कर देना चाहा, तो कहां थे आप और आपके कानून? हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, हमारे कबीले के नियम अनुसार निशा का रिश्ता हमारे बेटे के साथ तय हुआ है और वो सिर्फ हमारे ही घर की बहू हो सकती है। लेकिन नाखून को मां से अलग नहीं किया जा सकता सरदार, पानी के बगैर मछली दम तोड़ देती है। ये जानते हुए भी कि निशा की जान सूरज में है, उसकी बेजान लाश को अपने घर की बहू बनाकर क्यों रखना चाहते हैं आप? सरदार कबीले का बाप होता है, जल्लाद नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं सरजीव, क्या बेटी के पैदा होने से लेकर अब तक यही अरमान सजाए थे तुमने कि बेटी को डोली की जगह अर्थी पर बिठाओगे? यही सपना देखा था तुमने कि लगन मंडप के हवन कुंड की जगह बेटी की चिता को आग लगाओगे? नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के अरमानों का गला नहीं घोट सकता, नहीं घोट सकता सरदार। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे नहीं पता था कि इन दोनों के सच्चे प्यार का रिश्ता दिल और धड़कन के रिश्ते की तरह है। दिल को धड़कन से हिलाना मत करो सरदार। सरदार तुम कहोगे तो मैं इन दोनों को दूर बहुत दूर ले जाऊंगा। मेरी बेटी पर तरस का और रहम करो सरदार, रहम करो। सरदार कबीले का बाप होता है, जल्लाद नहीं, जल्लाद नहीं, जल्लाद नहीं, जल्लाद नहीं, जल्लाद नहीं। सरदार कबीले का बाप होता है। बेटी की चाहत में ये हम भूल गए थे। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब ने हमें जालिम होने से बचा लिया। हम आज और अभी से अपने कबीले के सब नियम बदल देंगे। आज के बाद किसी निशा
या किसी सूरज के प्यार पर कोई बादल नहीं गरजेगा। निशा तुम्हारी नहीं हमारी बेटी है सरजू। निशा की शादी सूरज से ही होगी। क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू तो आंखों में पी जाना चाहता था लेकिन आंखों ने साथ छोड़ दिया बेटी। बाबा सूरज अपने कलेजे का टुकड़ा काट कर दे रहा हूं तुम्हें, इसका ख्याल रखना। बाबा आपके कलेजे के टुकड़े को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा, हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरी हर सांस तुम्हारे लिए दुआ बन के निकलेगी बेटा। लेकिन सूरज हमारे कबीले के रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहला आशीर्वाद हमारे अन्नदाता ठाकुर साहब से लिया जाता है। भाई वाह मुबारक हो, तुम दोनों की शादी से हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि तुम दोनों ने साबित कर दिया कि लैला किसी लल्लू की नहीं सिर्फ मजनू की हो सकती है। बैठो। हम यहां बैठने नहीं आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। नहीं निशा नहीं, तुम्हारी जगह मेरे पैरों, मेरा मतलब है तुम दोनों की जगह मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है। ठाकुर साहब क्या हुआ? ठाकुर साहब क्या हो गया इन्हें? लगता है इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। हे राम अब क्या होगा? तुम इनका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर लेकर आता हूं। जल्दी आना। होश आ गया? अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है लेकिन नियत ठीक नहीं है। नियत? आप होश में तो है? होश? होश तो मैं उस दिन खो बैठा था जब तुझे पहली बार देखा था और दिल तेरी जवानी की महक लेने के लिए तरस उठा था। तो ये ड्रोन था? अगर आज सूरज तुझसे सुहाग रात मना लेता तो मुझे वाकई दिल का दौरा पड़ जाता। कभी नहीं धोखे बाज, मैं और सूरज तुझे अन्नदाता समझकर तेरा आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद ऐसे ही थोड़े मिलता है, आशीर्वाद के लिए कीमत चुकानी पड़ती है इस दिल की प्यास बचाकर। छोड़ो सूरज, सूरज छोड़ो, छोड़ो सूरज छोड़ो। दरवाजा खोलो, कोई है? सूरज के कानों तक अभी आवाज नहीं पहुंचेगी तुम्हारी, मौत के तेज दांतों ने उसे कब का चबा लिया होगा। हाँ अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। नहीं ठाकुर नहीं, ठाकुर
मुझे मेरे सूरज के पास जाने दो ठाकुर। अच्छा? ठाकुर मुझ पर तरस खाओ। ठाकुर 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 मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ ठाकुर, मुझे मेरे सूरज के पास जाने दो ठाकुर, वरना मैं मर जाऊंगी ठाकुर, मुझ पर तरस खाओ। तरस? तरस तो मैं कब से खा रहा हूँ, लेकिन अपने आप पर। अब अगर तुझ पर तरस खाने लगा मेरी जान, तो फिर मुझ पर कौन तरस खाएगा? हाँ, आंसू पोंछ ले, फरियाद बंद कर। पत्थर पर आंसू गिरने से पत्थर पिघलता नहीं, और इंसान अगर एक बार वैशी बन जाए तो फरियाद कानों से टकराकर वापस आ जाती है। तुम्हारी ये जबरदस्ती तुम्हारे प्यार का सबूत बन गई है। तुम तो मुझे सूरज से भी ज्यादा प्यार करते हो। हाय, शुक्र है तू मुझे समझी तो सही। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आओ आओ ना। रुक जा ठाकुर, मैं कहती हूँ रुक जा ठाकुर, वरना मैं खुद कर अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, पागल मत बन निशा, एक बार मेरी बाहों में आ जा, तारी जिंदगी राज करेगी। रुक जा ठाकुर, हवस के तराजू में लालच और एक पंचारण की असमत को मत तोल। मैं कहती रुक जा। अरे क्या हुआ तुम्हें, बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं सूरज? लाशें बोलती नहीं सकती। लाशें? नहीं 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 नहीं, सूरज तू तो कहता था कि तू मेरे दिल के टुकड़े को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखेगा, मगर तू अपनी जान में नहीं संभाल सका सूरज। ये क्या नर्त हो गया इंस्पेक्टर? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। सरजू, सरजू, बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। मैंने तेरी बेटी को हवेली की छत से अपनी आंखों से कूदते हुए देखा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो खुखार जानवर तेरी बेटी को घसीट कर ले गए। बेटी! ये मामला क्या है? सूरज की लाश भी मुझे हवेली से थोड़ी दूर ही मिली, निशा ने भी हवेली की छत से छलांग लगाई, आखिर ये दोनों वहाँ? वो दोनों ठाकुर साहब के पास आशीर्वाद मांगने गए थे इंस्पेक्टर साहब। ठाकुर? मेरा आशीर्वाद लेने आना ही उनकी उनकी मौत का बहाना बन गया। ना वो आशीर्वाद लेने आते, ना बेचारे जान से जाते। ठाकुर साहब ये बताइए कि हुआ कैसे? वो दोनों तो आपके? वो दोनों तो यहाँ तक पहुंचे नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस निशा दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि ठाकुर साहब मेरे सूरज को बचा लीजिए, वरना कुछ गुंडे उसे जान से मार देंगे। फिर क्या हुआ? निशा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक आदमी ने आकर खबर दी कि कुछ गुंडों ने मिलकर सूरज को जान से मार दिया। निशा पर तो जैसे पागलपन सवार हो गया, कुछ कहे बगैर ही छत की तरफ दौड़ी और मेरे सामने उसे छत से छलांग लगा दी। आप शायद ठीक कहते हैं ठाकुर साहब, निशा सूरज के बिना जीना ही नहीं चाहती। उन दोनों ने साथ मरने के लिए दरिया में भी तो छलांग लगा दी थी, पर सवाल यह है कि वो गुंडे कौन थे जिन्होंने सूरज की जान ली? इसकी बातों और आंसुओं पर मत जाओ, इस बाप का दिल चीख चीख कर कह रहा है कि सबसे बड़ा गुंडा ये खुद है। सरजू, इंस्पेक्टर मानो या ना मानो, मैं तुम्हें ठीक कहता हूँ कि उन दोनों का खून इसने किया है, ठाकुर ने किया। बकवास बंद कर सरजू, अपनी औकात में रह, वरना वरना क्या, मुझे भी मार डालोगे,
मेरा भी खून कर दोगे? माल डालो, माल डालो, मेरी बेटी को मार दिया, मेरे दामाद को मार दिया, अब मुझे भी माल डालो, माल डालो। सज्जू, सज्जू ये सब क्या है? चलो, चलो यहाँ से, चलो। यानी कि तुम्हारा मतलब है, उस हवेली में निशा की आत्मा रहती है, और वही ये सब खून कर रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ उसके अरमानों का खून हुआ था, उसके सपनों की आहुति चढ़ गई थी। उस हवेली के पास रहने वाले कई लोगों ने अपनी आंखों से उस बेहन आत्मा को वियोग के आंसू बहाते देखा है। वो प्रेम पुजारण आत्मा शायद अपने प्रेमी के इंतजार में उस हवेली को अपना घर बना बैठी है। उसके घर को कोई खरीदे, तोड़े या बेचे, शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती सा। लेकिन उस ठाकुर का क्या हुआ? छेड़ो, छेड़ो। जी मालिक, छेड़ू बाहर कहाँ है? उसे मालूम है कि लंदन से आज हमारी बेटी किरण आने वाली है, खाने के वक्त तक पहुंचेगी। छेड़ू घर से बाहर गया तो बेटी आकर खाएगी क्या? बेटी आकर छेड़ू को खाएगी? नहीं नहीं भाई, वो तेरा हाथ बटाएगा तभी तो वक्त पर खाना तैयार होगा। हमरा हाथ बटाए के खाना पकाए के स्त्री होने के वास्ते गवाह है क्या? उसको स्त्री बनने की क्या जरूरत थी, वो तो पुरुष ही ठीक था। अच्छा बताओ, खाने में क्या क्या बना है? केले की चटनी। केले की चटनी नहीं, करेले की चटनी कहा था, किरण को वही पसंद है। केले की नहीं मालिक, केले की। छेड़ू आई गवा। छेड़ू, छेड़ू। लगता है टेलीफोन का घंटी बज रहा है। अरे कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे मालिक, घंटा बजा है टनाटन। ओ मेरे भगवान, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम दोनों को अपने यहाँ काम पर रखा था। एक बात के साथ लटक जाती है और दूसरा बात को लटका देता है। श्रीमान जी, खाना वाना हो गया? ना ना, वो तो सुबह ही कर लिया। अरे मालिक पूछत है। कम बोले, ना जाने ये कब बोले। मालिक गाड़ी तैयार है? ठीक है, तुम दोनों के चक्कर में रहा तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले किरण घर पहुंच जाएगी। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं बेटी को लेने। मालिक समझत हैं कि हम ऊंचा सुनत हैं। अरे जाना तो मालिक जाए से पहले का बोले? का बोले? बोले एयरपोर्ट जा रहे हैं बेटी लेने। तेरी बेटी लेने नहीं, बेटी लेने। फाइनल कॉल फॉर थाई इंटरनेशनल। कैसी है हमारी बच्ची? अच्छी। ऐसा लगता है कि फ्लाइट वक्त से पहले नहीं आ गई क्या? वक्त से पहले नहीं आई है पापा, बल्कि आपने देर कर दी है आने में। तुम्हारे इंतजार में मैंने हर पल बड़ी बेचैनी से गुजारा है, और फिर भला बाप बेटी को कैसे भूल सकता है। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी मेरी गुड़िया लंदन से मेरे लिए क्या लाई है? सरप्राइज। क्या? एक ऐसा तोहफा लाई हूँ जिसे आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। अच्छा जल्दी दिखाओ कि वो कहाँ है। वो देखिए पापा। तुम? आप इन्हें जानते हैं पापा? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानता, पर तुमने इसे मेरे लिए सरप्राइज कैसे समझ लिया? ये सूरज है। सूरज? और सरप्राइज की बात ये है कि ये आपको अच्छी तरह जानते हैं। जानते हैं मुझे? हाँ, क्योंकि ये आपके दामाद और मेरे पति हैं। पति? हाँ पापा, मैंने और सूरज ने शादी कर ली है। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी खुशी में ही आपकी खुशी है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम अपनी मर्जी से शादी करके यहाँ चली आई और बाप की इजाजत की जरूरत तक नहीं समझी। नहीं, पापा क्या हुआ कि ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम बेटी बाप को भूल गई, और ये सब इतना अचानक हुआ कि तुम इसे बाप से ज्यादा प्यारे लगने लगे। बट पापा, इट्स नॉट सूरज फॉल्ट, आखिर इसमें इनका क्या कसूर है? बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि सूरज आपका दामाद है, आप इन्हें गले लगाकर आशीर्वाद देंगे। और आप हैं कि नहीं किरण, हम दोनों ने जो गलती की है इसका पता जब भी किसी बाप को चलेगा तो उन्हें खुशी नहीं सदमा पहुंचेगा। हमें माफ कर दीजिए पापा। नहीं नहीं बेटे, ठीक है, जिंदगी तुम दोनों को गुजारनी है, अगर तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुश हो तो मैं क्या कह सकता हूं। हाँ।
कहाँ है लड़की? क्यों भी पसंद आया तुम दोनों को अपने स्वागत का तरीका? सूरज बेटे, ये छेड़ू है, इसको एक बार छेड़ दिया तो फिर इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। और ये मीठी है छेड़ू की घरवाली। मालिक, किरण बिटिया के साथ का इनके बॉयफ्रेंड थे, अब ये हमारी बेटी के पति हैं और हमारे दामाद। जल्लाद! कितनी बार कहा है कि मालिक से बात करते समय इसे मैं फंसाए रख, ये मालिक के दामाद है। दामाद है? अरे तो शादी रचा ही ली है। हाँ, रचा ही ली है। अरे हम तो सोचते रहे कि यहाँ धूमधाम से बैंड बाजा बजवाएंगे, आपने तो विदेश में ही बजवा लिया। भाई, जो जहाँ बजना था सो बज गया। लेकिन एक बात बताओ, दूल्हा कैसा लगा? चूल्हा? अरे चूल्हा तो हम जौनपुर में जलाते थे, यहाँ पे तो गैस है, भग 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 जलता है। माफ करना दूल्हे राजा, भोपू के बगैर खुद भोपू बन जाता है। हाँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। हम सुन लिए, हमारी पत्नी हमरे तारीफ के पुल बांध रही है। हाँ, हाँ, पत्नी पुल नहीं बांधेगी तो और क्या करेगी? अच्छा अच्छा, ये हाथ में क्या उठा रखा है? स्वागत, इका मतबल है स्वागत का। सामान! अब भी स्वागत में कुछ बाकी रह गया? ठीक है, जो भी कुछ करना जल्दी करो, चलो। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, आबाद रहे, खुश रहे। हाँ। बाकी ठीक है। हाँ। अब हमारी बारी है। ये क्या है? आपकी बिटिया के लिए करेले का हार। अरे बेवकूफ, हार फूलों का होता है, करेलों का नहीं। अरे आप ही कहे थे ना बिटिया को करेला बहुत पसंद है। चुप है, बदतमीज कहीं का, करेलों का हार पहनेगी क्या? अब बिटिया को नहीं पसंद तो हम पहन लेते हैं। किरण, मुझे लगता है तुम्हारे पापा हमारी शादी से खुश नहीं है, उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया। सूरज, ऐसी बात नहीं है। मालूम है, बचपन में मैं जिन खिलौनों के साथ खेलती थी, प्यार करती थी, उन बेजान खिलौनों को भी पापा ने अपनी बेटी की जान समझकर आज तक संभाल कर रखा है। और फिर तुम तो मेरे पति और उनकी बेटी की जान हो, तुम्हें तो वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे, दोबारा ऐसा सोचना भी नहीं। अच्छा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कपड़े बदलने के बाद सूरज, तुम लहरों पर से कैसे चल के? जिनके प्यार की लहरों पर कोई पत्थर फेंक देता है तो वो तड़प कर दर्द की हर लहर से गुजर जाते हैं। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे, शायद तुम्हारी राह में पिछली हुई इस तरह की आंखें इसीलिए पत्थराई नहीं। लेकिन तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। सूरज, किससे बातें कर रहे हो? ये देखो, तुम्हारे सामने खड़ी है, यही वो लड़की है जो हमें रास्ते में मिली थी। लड़की? कहाँ है लड़की? अरे ये यही पे तो थी। लगता है मुझे देख के उड़न छू हो गई। क्यों? किरण, तुम मेरा यकीन करो, वो लड़की यहीं पर थी, मैंने उससे बात भी की। किरण, कहीं ये किसी की आत्मा तो नहीं? मिस्टर लंदन रिटर्न्ड, किसी और से ये बात कहोगे ना तो मजाक उड़ा देंगे। 20वीं सदी में आत्मा देखने वाले आत्मा राम जी, लगता है आप सफर से काफी थक चुके हैं, चलिए सोते हैं। हुँ?
हवेली को पहचानो सूरज। देखो ये वही जगह है जहां हमारी जुदाई और मेरी बिरहा की कहानी शुरू हुई थी। 20 साल पहले तुम मुझे यहीं छोड़कर और ये कहकर गए थे कि मैं अभी आता हूं। तब से लेके अब तक मैं इस हवेली में तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया निशा। तुम्हारी बिरहा की तड़प को खत्म करने को ही मैं लौट कर आया हूं। अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आंसू मत बहाओ निशा, आंसू मत बहाओ निशा। हैरान हो गए, छूना चाहते हो मुझे? हाँ। इसी मिलन के इंतजार में 20 साल आंसू पिए हैं मैंने। लो सूरज, मुझे अपने सीने से लगा लो और मेरी जुदाई की तड़प को शांत कर दो। मैं भी तुम्हारे मिलन को बहुत तरसा हूं निशा। निशा, अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या हुआ निशा? ये घंटियां, ये मंदिर की घंटियां मुझे तुमसे जुदा होने को कह रही है। नहीं निशा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं मजबूर हूँ सूरज, मैं मजबूर हूँ सूरज। निशा, मुझे छोड़कर मत जाओ। निशा, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या हुआ सूरज बेटा? ये निशा कौन है? ये वही लड़की है जिसके बारे में बताने पर भी तुम्हें यकीन नहीं आया। वो सपने में आई और मुझे हवेली ले गई। बोली यही वो जगह है सूरज जहां हम बिछड़े थे, और तब से यही मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जानती हो वो हवेली कौन सी थी? कौन सी? ये बिल्कुल यही। ये हवेली की फोटो तुम तक कैसे पहुंचे? ये सूरज के भाई दीपक ने भेजे थे पापा, वही इस हवेली के मालिक थे। हाँ, सूरज का भाई दीपक, वही दीपक जिसका पिछले दिनों हवेली में खून हो गया था। और इस खून के पीछे किसका हाथ है यही जानने के लिए हम हिंदुस्तान आए हैं पापा। किरण, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग हवेली चलेंगे। हवेली जाओगे ताकि खुद को मौत के हवाले कर सको? पागलों वाली बातें छोड़ो सूरज। पापा, इस खून की वजह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश करो सूरज, जिसने तुम्हारे भाई की जान ली वो तुम्हारा भी तो दुश्मन हो सकता है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ पापा, वो दुश्मन कौन है और क्यों है? जिद मत करो बेटा, जैसे हवेली में तुम्हारा भाई दीपक बुझ गया, हम नहीं चाहते कि हमारे सूरज पे भी मौत के बादल छा जाए। चाहो तो दोस्त समझ कर इसे मेरी प्रार्थना समझ लो, या ससुर को बाप समझ कर मेरा हुक्म समझ लो, तुम हवेली नहीं जाओगे। निशा, तुम? लेकिन तुम तो मर गई थी। शुक्र है पहचान तो लिया, पर ना अक्सर लोग अपनी मौत को पहचान कर भी नहीं पहचानते। मौत? हाँ मौत। यहां मौत की लोरी सुनाकर तुझे कब का सुला देती? मैं तो तुझे हवेली में ही मार देना चाहती थी, मगर तू नहीं आया। अब अगर आएगा तो भी मैं तुझे नहीं मारूंगी, क्योंकि अब तो तू जीते जी खुद ब खुद मर जाएगा। जो बरस सकते हैं वो गरजते नहीं। अगर गरजने से ही बर्बादी का तूफान उठने लगे तो बरसने की जरूरत नहीं पड़ती। ठाकुर, तेरी होने वाली बर्बादी के आसार मुझे हंसने पर मजबूर कर रहे हैं, और तेरी बेटी की होने वाली बर्बादी पर मेरी आंख अफसोस से भर आई है। किसमें जरूरत है जो हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके? कौन करेगा हमारी बेटी की बर्बादी? मेरा सूरज, जो तेरी बेटी का पति और तेरा दामाद बनकर आया है। कुदरत का दस्तूर है ठाकुर, इस हाथ दे, इस हाथ ले, हम खुद तेरा गला घोट देंगे। हवा का गला दबाकर
तूफान को रोकना चाहता है। हम रूहे जिसे हासिल करना चाहे उसे हासिल करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हम अपने बेटे की बर्बादी नहीं देख सकते, हमें माफ कर दो। पाँव तो मैंने भी तेरे पकड़े थे। अगर सजा ही देना चाहती हो तो हमें दो, तुम्हारे गुनहगार हम हैं, हमारी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर पाँव को लगती है आंसू आंख से क्यों बहते हैं? मौत निशा की होती है, पागल उसका बाप भी हो जाता है। इंसानों के पाप या तो औलाद बनकर सामने आते हैं या फिर औलाद को भुगतने पड़ते हैं। नहीं, तुम इस पापी बाप के पापों की सजा उसकी औलाद को नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी की खुशियां बख्श दो। क्या हुआ? मालकिन ने सूरज बदल दिया, सूरज ने मालकिन को नहीं, मालकिन हवेली छोड़ दी, हवेली ने मालकिन को छोड़ दिया। सूरज, हमारे मना करने पर भी तुम हवेली जा रहे हो? बड़ों की सलाह मानने में बच्चों की भलाई है बेटा। अगर मुझे पता होता तो भाई की मौत की खबर मिलते ही खत लिखकर आपसे सलाह ले लेता कि भाई को भाई की मौत पर आना चाहिए या नहीं। रात का सपना भूल गए? हमने हमेशा अपनी बेटी की खुशियों का सपना देखा है और ये सपना हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। जिस तरह आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं उसी तरह मैं भी अपने भाई से उतना ही प्यार करता हूं। इसलिए आप निकल चुका है, लकीर को पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। लकीर पीटने वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि लकीर पर चलकर सांप तक पहुंचा जा सकता है। मैं अपने भाई की मौत का राज जान कर ही रहूंगा। तुम्हारे इस राज को जानने के जुनून में हमारी बेटी की जिंदगी खुद एक राज बनकर रह जाए ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम चुप रहो बेटी, इस बात का फैसला तुम्हें खुद ही करना होगा। सूरज बेटा, अगर तुम किरण से प्यार करते हो तो तुम हवेली नहीं जाओगे, जाओगे तो किरण से रिश्ता तोड़कर। और तुम्हारी किरण से शादी हुई है ये बात कितने लोग जानते हैं? मुझसे प्यार या शादी करने से पहले किरण ने हमसे ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि मुझे आपके हुक्म का गुलाम या घर जवाई बनकर रहना पड़ेगा। हाँ, अगर किरण की मर्जी यहाँ रहने की हो। सूरज, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि किरण सूरज के बगैर रह सकती है? सूरज के डूबते ही किरण दम तोड़ देती है। किरण सूरज के होंठों की चमक और उसकी आगोश किरण का घर है। पिता का हुक्म मानना बेटी का फर्ज है, लेकिन पत्नी को पति से अलग रहने का हुक्म अगर भगवान भी दे तो उससे भी ठुकरा देना पत्नी का धर्म है। ओ पापा, आप हमें हवेली में जाने से रोकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उस हवेली में उस हवेली में कई खून हो चुके हैं। खून हवेली में हुए या नहीं, लेकिन आप तो हमारे रिश्ते का खून अपने बंगले में ही कर देना चाहते हैं। पापा, ये सब अच्छा नहीं हुआ। चलो सूरज। जय विजय, देखो सूरज और किरण किसी भी हालत में हवेली नहीं पहुंचने चाहिए, उन्हें फौरन लेकर वापस आओ, जल्दी करो। Ha 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 ha
कुछ याद आया? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ ख्याल साए की तरह लहराए और खो गए। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी यादों की समुद्र की लहरें सो गई हैं। उन लहरों को यूं जगाऊंगी कि ख्याल हकीकत में ही नहीं बदलेंगे, बल्कि यादों का तूफान छवार भाटा बनकर फूट पड़ेगा। सूरज, आइए आइए महाराज, आइए आइए महाराज, आइए आइए। ये है तांत्रिक बाबा, हम बड़ी मुश्किल से एक आध ढूंढ कर लाए हैं। मूड कर नहीं, प्रार्थना और निवेदन कर कर लाए हैं। आइए बाबा, देखिए ना मेरे सूरज को क्या हो गया है। यही पता लगाने तो हम आए हैं। अनर्थ, अनर्थ हो गया। क्या क्या हुआ बाबा? इस पांव के निशान को देख रही हो बेटी? इसका मतलब यह है कोई आत्मा तुम्हारे पति को पिशाच बना देना चाहती है। पिशाच? वो क्या होता है बाबा? कोई आत्मा जिस इंसान को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाकर अपनी दुनिया बसाना चाहती हो, वो पिशाच बनाने के लिए किला लगाने की विधि का इस्तेमाल उसी के साथ करती है। और ये विधि बेटा करवा चौथ से दो अमावस पहले शुरू हो जाती है। और कल अमावस की रात थी, उस आत्मा ने अपने प्यार और अपनी चाहत की छाप कीले के रूप में इसके पांव में लगा दी है बेटी, इसके पांव पे लगा दी, इसके पांव पे लगा दी है। फिर बाबा? फिर विधि अनुसार आती अमावस को दूसरा कीला लगाएगी और फिर करवा चौथ वाली रात तीसरा और आखिरी कीला लगाकर किसी काली बदली की तरह तेरे सूरज पर छा जाएगी और फिर तेरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा बेटी, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। नहीं, मैं अपने सूरज को खोना नहीं चाहती बाबा। मैं आपसे अपने और अपने सूरज की खुशियों की भीख मांगती हूँ। आप ही मुझे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मेरे सूरज को बचा लीजिए बाबा, मेरे सूरज को बचा लीजिए। अवश्य बचाऊंगा बेटी, ये तांत्रिक का वचन है। हम रात को आएंगे। रात को लाएंगे? कब, क्यों, कहाँ? नहीं, बारात को नहीं, रात को आएंगे। ओ, कीला, कीला। तू यहाँ क्या करने आया है? इस खानदान को सर्वनाश से बचाने और तुम्हें समझाने कि जो कुछ तुम कर रही हो वो अनर्थ है और ये अनर्थ मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगा तू? किरण की मांग के सूरज को निशा के अंधेरों में डूबने नहीं दूंगा। इसकी रक्षा का मैंने वचन दिया है और मैं तुमसे वचन चाहता हूं कि तुम अभी और इसी वक्त इस हवेली को ही नहीं बल्कि सूरज के दिलो दिमाग को खाली करोगे जहां पर तूने जगह बनाने की कोशिश की है। ऐसा कोई वचन लेने की कोशिश मत कर जो मेरी बेचैनी को किसी के दिल का चैन बना दे। फिर से मुझे बिरहा के आंसू पीने पर मजबूर कर दे। अपने सूरज के लिए बहुत तड़पी हूं मैं। ऐसा ना हो कि मेरी तड़प नागिन बनकर तुझे और तेरे सुख चैन को डस ले। अरे तू जैसी जहरीली आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? अरे तू तो चीज ही क्या है, इस तांत्रिक की तंत्र विद्या के सामने सारा मसान कांपने लगता है। अगर जरूरत पड़े तो मेरे घर में जिन पानी भरने और भूत पहरा देने आते हैं, प्यार से मानेगी तो बेहतर है, नहीं तो दुआई देगी, फरियाद करेगी कि तांत्रिक बाबा रहम करो, तांत्रिक बाबा रहम करो। लेकिन नहीं, तब तक तांत्रिक बाबा का तीर कमान से निकल चुका होगा। तेरा तीर तो कमान पर चढ़ाना अभी बाकी है, मैं तो अपना निशाना दाग चुकी हूँ। एक अमावस की रात बीत चुकी है, दूसरी का इंतजार है और फिर करवा चौथ वाली रात को सूरज मेरा होगा, सिर्फ मेरा, और तू अपना तीर कमान पर चढ़ाता ही रह जाएगा। तांत्रिक बाबा को लड़काने का अंजाम देखना चाहती है तो देख। हा 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 हा।
चामुंडा नमः रेंगले चामुंडा नमः घुसाए दिया सुसरी को बोतल वाल तांत्रिक बाबा मुझसे टकराती है देख लिया जरूरत से ज्यादा तिल मिलाने का नतीजा कमन तो एक शीशा है जो टूट कर ही रहता है लेकिन तुझे टूटकर मिटने के लिए अमावस के इंतजार में अपनी तबाही की घड़ियां तड़प तड़प कर गिननी है क्यों बाबा अमावस तक क्यों हाँ बाबा आज और इसी वक्त क्यों नहीं इसे अभी भस्म कर दो तांत्रिक बाबा नहीं ये आत्मा अमावस की रात को सूरज के पैर में लगे हुए पहले किले का असर बाहर निकालेगी अमावस तक इस आत्मा को इसी बोतल में कैद इसी हवेली में रहना होगा ये इसकी जगह है हर याद रहे कोई इसे छुएगा नहीं कोई इसे बाहर नहीं निकालेगा अमावस वाली रात को मैं इधर आऊंगा और इसे भस्म कर दूंगा क्या बात है किरण तबीयत तो ठीक है तबीयत तो ठीक है पर मन मन में तिला रहा है ये पापा कहने वाला मेहमान तो नहीं अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं पापा बनने वाला हूं छेड़ू अरे ये कौन गधा का समान चिल्लाए चिल्लाए के हमने नाम की धज्जियां उड़ा रहा है कौन है रे किधर है अरे इधर देख इधर बोतल में होटल में अरे आवाज तो मालिक का है पर होटल से हवेली तक आ रहा है ए? अरे ठीक से सुनता भी नहीं हरामी को स्वामी अरे काहे मजाक कर रहे हैं मालिक अरे स्वामी तो हम अपनी पत्नी के लिए हैं आपके हम नौकर हैं दास हैं पर आप दिख नहीं रहे अरे पहले तो हम पहले ही से थे कहीं अंधियाए तो नहीं गए मालिक कहाँ है आप अरे इधर देख इधर बोतल में अरे अरे मालिक आप बोतल का अंदर परमात्मा ने अरे परमात्मा ने घुसाया है तो घुसे रहो घुसे रहने में ही सलामती है हाँ। परमात्मा ने नहीं हाँ। उस शैतान आत्मा ने मुझे धोखे से यहाँ बंद करके वो खुद आजाद हो गई और ये भाड़े के भड़ुए चैन की नींद सो रहे हैं जगाओ इनको अरे भाड़े के भड़ुओ मालिक बोतल में रो रहे हैं और नौकर बाहर ठाट से सो रहे हैं चलो उठो उठो मालिक कहाँ है मालिक अरे बोतल में बंद है निकालो उनको ए, मालिक का हुक्म है बोतल को हाथ नहीं लगाना अरे मुझे बोतल से बाहर निकालो वो हुक्म भी तो मैंने ही दिया था लो हम निकाले थे मालिक मालिक की भूख निकल रही है अरे मालिक निकले का रास्ता छोटा है जरा संभल के मालिक संभल के छेड़ू सूरज से कह देगा कि हम लोग मंदिर गए वैसे भी हम जल्दी वापिस आ ही रहे हैं ठीक है ना जी क्या चमत्कार है बोले मालिक बोतल से बाहर निकले और अंदर से बोले पापा लगता है निशा की आत्मा धोखे से आजाद हो गई और आज तो अमावस की रात भी है घबराओ नहीं बेटी चलो तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं अब तो वही हमारी रक्षा कर सकते हैं आओ मैं सलाम करके आता हूँ तारा फिर मुझे खाना खा के हवेली जल्दी पहुंचना है हवेली पहुंचने में जरा देर भी हो जाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी हाँ अगर वक्त पर चंडाल आत्मा का खात्मा नहीं किया तो इस तांत्रिक का वचन ही मिट जाएगा खाना लगा देता कौन है तू मुझे चंडाल कहने वाले चंडाल अपनी मौत को नहीं पहचानता निशा
लेकिन तुझे आजाद किसने किया? तूने अपनी विद्या से मुझे कैद किया था और मैं अपनी विधि से आजाद होकर तुझे तेरी जिंदगी से आजाद करने आई हूँ। आजाद? नौ बुझने से पहले जरूरत से ज्यादा फड़फड़ाती है तेरी तरह। तेरा भी बुझने का वक्त आ गया है। मंत्र पढ़कर फूंक मारूंगा, बुझाऊंगा नहीं, भस्म कर दूंगा। उस दिन तूने बहुत शक्ति दिखाई थी मुझे, आज मेरी बारी है। अब अगर तीन मालान तक पहुंच गया ना तो मेरी शक्ति कैसे देखेगा? इन्हीं मालाओं के सहारे तू मेरा प्यार तोड़ देना चाहता था ना? मुझे भस्म करने वाले, भस्म कैसे किया जाता है देख ले। तांत्रिक बाबा, क्या बात है? तांत्रिक बाबा कहाँ है? उनसे कहिए कि हमारी हवेली में जिस निशा की आत्मा को कैद करके छोड़ आए थे वो धोखे से आजाद हो गई है। अब तांत्रिक बाबा ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तुम लोगों ने मेरे सुहाग पर न जाने क्या जादू टोना करवा दिया है। जब से हवेली से लौटे हैं सोते जागते पागलों की तरह निशा के नाम के रट लगाए रहते हैं। इतना सब करने के बाद भी तुम लोगों का चैन नहीं आया जो यहाँ चले आए? दफा हो जाओ यहाँ से। सुनिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें तांत्रिक बाबा से मिलने दीजिए। मेरा सुहाग खतरे में है, मुझ पर रहम कीजिए। तुम पर रहम करके मैं अपने सुहाग को खतरे में नहीं डाल सकती, दफा हो जाओ। अब क्या होगा पापा? होने के आगे किसी का बस नहीं चलता बेटी। बेटी तुम घर चलो, मैं किसी दूसरे तांत्रिक बाबा का द्वार ढूंढता हूँ। आओ। स्वामी। क्या कर रही हो किरण? सुख में गुजरे पुराने दिनों को याद करके दुख के ताजा जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही हूं। सूरज, जब से हम विदेश से हिंदुस्तान आए हैं दुख के कांटों में उलझ कर रह गए हैं। तुम ठीक कह रही हो किरण, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें सुख के स्वर्ग से निकालकर दुख के नरक में धकेल दिया। नहीं सूरज, तुम्हारा साथ रहे तो नरक में मेरे लिए स्वर्ग है, लेकिन डर है कहीं साथ ही न छूट जाए। जब तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देखती हूँ तो मेरा दिल भी बुझ सा जाता है। ये देखो सूरज, इस तस्वीर में तुम्हारे चेहरे पर कितनी चमक है। जब तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देखती हूँ तो मेरा दिल भी बुझ सा जाता है। ये देखो सूरज, इस तस्वीर में तुम्हारे चेहरे पर कितनी चमक है। सच किरण, कितने खुश थे हम वहां। ये क्या? सूरज, तुम्हारे साथ मेरी सारी तस्वीरें निशा की तस्वीरों में कैसे बदल गई? ये कैसे हो सकता है, निशा की तस्वीरें मेरे साथ? ये तो
ये तो अनहोनी है सूरज। निशा की आत्मा मेरी आत्मा पर डर बनकर छा गई है। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है उस आत्मा का? नहीं सूरज, मेरे जीते जी तुम्हें निशा नहीं ले जा सकती। वो सती और पतिव्रता स्त्री की शक्ति को नहीं जानती। अगर सती सावित्री अपने पति के प्राण को यमराज से लौटा कर ला सकती है, तो ये सुहागन भी अपने पति को निशा के साथ जाने से रोक सकती है। हट जाओ किरण, मुझे जाने दो। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। तुम्हें मेरी कसम, तुम नहीं जाओगे सूरज। और मुझे अपने इस मंगलसूत्र की कसम, इसे अपने गले से उतारकर किसी और के गले का हार नहीं बनने दूंगी। मुझे निशा लेने आई है किरण, तुम्हारी कसम मेरे पांव की जंजीर नहीं बन सकती, कभी नहीं। अगर मेरे इस मंगलसूत्र में जरा भी शक्ति है, तो ये तुम्हारे पांव की जंजीर जरूर बन जाएगा। और अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया, तो ये मंगलसूत्र शक्तिहीन ही नहीं साबित होगा, बल्कि इस पर से हर हिंदुस्तानी नारी का विश्वास उठ जाएगा और वो इसे उतार फेंकेगी। सूरज, मैं तो देख रहा था कि सिर्फ तुम प्यार का दावा ही करती हो या, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया तुम वाकई मुझे दिल से चाहती हो। इस तरह रुला के सता के क्यों इम्तिहान लेते हो मेरा? सूरज, सिर्फ आज ही नहीं, तुझे रोना जिंदगी भर का है। ये तुमने क्या किया? सूरज, गुजरे हुए आज और कल में कितनी दूरी, कितना फर्क है सूरज। एक आज है कि मैं तुम्हें अपना बनाने और दूरी मिटाने के लिए तरस रही हूं, और एक कल था जब हम एक दूसरे से दूर सांस भी नहीं ले सकते थे। तुम मेरी और मैं तुम्हारी बाहों में समाई, घंटों सपनों और वादों की वादियों में खोए रहते थे। सूरज, अब भी यादों की मुरझाए फूल खिले या? हाँ, यादों के फूल महकने और ख्याल हकीकत में बदलने लगे हैं। आंखों के सामने लहराते साए कुछ कहने और याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सच, आज मैं बहुत खुश हूं। आज अमावस का दूसरा किला लगाकर मैं तुम्हारे बहुत करीब आ जाऊंगी। बस फिर करवा चौथ का इंतजार रहेगा, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, सिर्फ मेरे। Thank you.
जी सुना तो, अरे सुना तो। अरे गधैया की तरह गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए काहे रही है, तू भी हमका बहरा समझे थे, क्या बात है? अरे कुछ मालूम है, का है? सूरज बाबू कल फिर रात जंगल मा बेहोश रहे। मदहोश रहे? अरे मद पियेंगे, मदिरा पियेंगे तो मदहोश नहीं होंगे तो का होश में रहेंगे। कहा थे कि हम बहरे नहीं, अरे तोरे लिए तो चिल्ला चिल्लाए के हम अकलाने लग गए, अब तो डरे कि कहीं गुगूंगे ना हो जाए। पता है बेचारी किरण बिटिया कितनी मुश्किल से सूरज बाबू को घर लेकर आई, हम सब कितने परेशान रहे और तुम रात भर सोते रहे? रोते रहे? अरे रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे, तू जैसी मीठी से मक्खी की तरह चिपक गए हैं। अरे रोएंगे नहीं तो कहां से हंसेंगे, अब सूरज बाबू कैसे हैं? अब उन्हें होश आ गया है। जोश आ गया? होश में आते ही जोश आ गया? जब उनका जोश आ गया तो तू वहां का कर रही थी? हे भगवान, या तो इनके कान खोल दे या मेरी आवाज ले ले। अरे बाबा जोश नहीं होश आ गया है। और हाँ, बड़े मालिक और बिटिया ने सूरज बाबू के साथ आज ही विदेश जाने का फैसला कर लिया है। क्या कर लिया है? फैसला कर लिया है। मैंने और पापा ने तुम्हें पूछे बगैर ही आज ही लंदन जाने का फैसला कर लिया। सूरज, अगर उस आत्मा ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो तुम्हारी जुदाई कला मेरा घुटेगी और खून मेरी कोख का भी हो जाएगा। नहीं किरण, नहीं। जो हमारे प्यार और हमारी होने वाली औलाद को पैदा होने से पहले खा जाए वो जुदाई कभी नहीं होगी। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। शाबाश बेटे, ये कहकर तुमने मेरे दिलो दिमाग का बोझ हल्का कर दिया। तुम्हारे टिकट्स तो कंफर्म हो चुके थे, सिर्फ तुम्हारी कंफर्मेशन का इंतजार था। मैं टिकट्स कलेक्ट करता हूँ, तुम एयरपोर्ट आ जाना। सामान गाड़ी में रख दिया है, अब आप दोनों को रखना बाकी है। जी नहीं, अब आपको ये कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। नष्ट? अरे नष्ट कौन कर सकत है तुमका? अरे भोलेनाथ के नाम का ऐसा मंत्र पढ़ के फूकेंगे कि उके खानदान का हर आदमी कान का बहिरा और जवान का लटकू पैदा होएगा। हाँ, अरे चुप कर। खड़ू महाराज, नष्ट नहीं कष्ट, कष्ट नहीं। बाबूजी, हमका कोई कष्ट नहीं है। अरे बातों बातों में अब तो भूल ही गए बाबूजी। आपके लिए बाबूजी। ये क्या है? मालिक, एक गरीब की तरफ से छोटा सा उपहार है। जब सूरज के घर चंदा निकले उसके गले में डाल देना मालिक। अरे इसकी क्या जरूरत है? मालिक इनकार न करो मालिक, लल्ला की अमानत अपने गले में पहन लो मालिक। धन्यवाद मालिक। लेकिन ये सब बड़े प्यार से मुन्ना के लिए बनाया था। सोचा था हमारे हाथों से मुन्ने को पहनाएंगे, लेकिन आपकी खुशी में शामिल होना शायद हमारी तकदीर में नहीं। नहीं मिठी, दिल छोटा नहीं करते हम, मुन्ने को लेकर बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, है ना किरण? देखा, तुम लोगों के साथ साथ ये भी रो रही है। ये आंसू नहीं, इन दोनों का प्यार है जो मुझे संभाला नहीं गया। ये आंसू, ये प्यार हमको दे दो मालकिन, बड़े मालिक इंतजार कर रहे होंगे। आइए। क्या हो रहा है?
घबरा। एयरपोर्ट जाने के बजाय ये गाड़ी हमारी हवेली लौट कर आ गई है। सूरज, मुझे डर है इसमें उस आत्मा की जरूर कोई ना कोई चाल है। चाल नहीं, आत्मा की कशिश है, प्यार है जो अपने सूरज को खींच लाता है। और तुम मुझसे मेरे सूरज को दूर, बहुत दूर ले जाना चाहती हो ना? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने को प्यार कहती हो? किसी दूसरी औरत के पति को अपना बना लेने की कशिश तुम्हारी दुनिया में होती होगी, लेकिन हम इंसानों की दुनिया में इसे बेशर्मी और बेहयाई कहते हैं। अगर अपने भगवान की पूजा को तुम्हारी दुनिया में बेशर्मी और बेहयाई के नाम से पुकारा जाता है तो बेशक मेरे प्यार को कोई भी नाम दे दो। और रहा दूसरी औरत का सवाल, तो दूसरी औरत यह है जो इस जन्म से तुम्हारी पत्नी बनी है। अरे मैं हूं जो पिछले जन्म से तुम्हारी पत्नी हूं। 20 साल से तुम्हारे इंतजार और तलाश में भटक रही हूं। अब फैसला तुम खुद ही कर लो। तुम पर किसका हक है जो सिर्फ 4 दिन से तुम्हारी पत्नी बनी हुई है, उसका या फिर मेरा जो पिछले जन्म से लेके इस जन्म तक? किसने देखा है पिछला और अगला जन्म? किस हक की बात करती हो तुम? मुझ पर तुम्हारा कोई ना हक था, ना है, ना होगा। अगर मुझ पर किसी का हक है तो किरण का, क्योंकि किरण मेरी पत्नी है और मैं उससे प्यार करता हूं। बस भगवान के लिए, भगवान के लिए अपनी तरह हमारी जिंदगी को बदतर मत करो। अब तुम भी मुझे ठुकराने लग गए, लेकिन ये तुम नहीं, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ लॉकेट बोल रहा है। तुम मेरे हो सूरज, सिर्फ मेरे। ठाकुर, तू मेरा सुख चैन छीन कर तू भी चैन से नहीं जी सकता। चैन? चैन तो तूने हराम कर दिया है हम सबका दिलो दिमाग से। चैन कुरेद कर डर और बेचैनी का ऐसा घाव बना दिया तूने मेरे और मेरी बेटी के जीवन को। ऐसी आग लगाई है तूने जिसमें जलते तो नहीं सिर्फ सिर्फ झुलस रहे हैं। अगर तुम इतनी आसानी से जल गए ठाकुर, तो तुम्हें तुम्हारी लगाई हुई इस आग का एहसास कैसे होगा जिसमें ना मैं जल रही हूँ ना बुझ रही हूँ? बस एक गीली लकड़ी की तरह सुलग रही हूँ। लेकिन मैं आज तुम्हें उसी तरफ का एहसास कराने आई हूँ। एक बार तूने मुझे इन गंदे हाथों से छुआ था, तब से लेके आज तक ये आत्मा भटकती रही है। आज मैंने तुझे छुआ है, सुबह की पहली किरण के साथ तेरे जिस्म का रोम रोम फटने लगेगा। और सूरज मुझे छोड़ के विदेश कभी नहीं जाएगा। मैं तुम्हें अच्छे हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब आप खामोश क्यों हैं? ठाकुर साहब की बीमारी लाइलाज है,
ये बहुत दिनों तक जी नहीं पाएगी। इस बीमारी का इलाज सिर्फ मौत है। आई एम सॉरी। आओ बच्चा। बाबा, ये मेरे पापा हैं। इन्हें हम सब जानते। तुम्हारे शरीर पर ये कोड निशा की आत्मा का शराप है। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। कांटे बीजने वाले कांटों पर ही चला करते। कांटे बीज कर फूलों की उम्मीद मूर्ख किया करते हैं। मुझे इस कष्ट से बचाइए बाबा, मैं आपके पांव पड़ता। अगर आप मुझे इस पीड़ा से मुक्ति नहीं दिला सकते तो इस भयानक जीवन से मुक्त कर दीजिए। मैं और सहन नहीं कर सकता, और सहन नहीं कर सकता। भवानी बाबा की शरण में जीवन दान दिया जाता है, जीवन से मुक्ति नहीं। ये ताबीज देखते ही देखते तुम्हें इस कष्ट से, इस कोड़ से हमेशा के लिए मुक्त करवा देगा। इसे अपने गले से कभी मत उतारो। बाबा मैं ठीक हो गया। सूरज, किरण, मैं ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया बाबा, मैं ठीक हो गया। ये चमत्कार तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। धन्य है आप, धन्य है बाबा। अब मुझे यकीन हो गया है, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे तो निशा की आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप ही मुझे उसके प्रकोप से बचा सकते हैं बाबा। हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे बेटी। तुम दोनों के गलों में ये तावीज रक्षक बन के हमेशा रहेंगे। निशा की आत्मा इन्हें छूते ही भस्म हो जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा, पूरा वक्त आता है तो अकल पे पर्दा पड़ जाता है। धन्य भाग। रुक जा मूर्ख लड़की, मेरे करीब आएगी तो तेरे गले का यह तावीज मुझे जलाकर, हमारा मतलब है तुझको जलाकर भस्म कर देगा। उतार के फेंक दे इस मौत के फंदे को। जिस भवानी बाबा को तो अपना रक्षक कहती है, वो तेरा रक्षक नहीं, राक्षस है, राक्षस। आपकी बातों से घमंड और भवानी बाबा से जलन की बू आ रही है, वरना इतने बड़े चमत्कारी के सामने सर झुकाने की जगह सर उठाने वाली बात कभी नहीं करते। आप भवानी बाबा को नहीं जानते बाबा। उस आत्मा ने पापा को कोड़ी बना दिया था, लेकिन भवानी बाबा का तावीज पहनते ही पापा का कोड़ जादू जैसी शक्ति से गायब हो गया। काश आपने ये चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखा होता। मत भूल नादान, एल्बम में तस्वीरों का बदल जाना, एयरपोर्ट की जगह बारंबार हवेली तक पहुंच जाना, चमत्कार था कि नहीं? बोतल से आजादी पाने के लिए ठाकुर का रूप धारण कर लेने वाली शैतान आत्मा ने तुम्हारे गले में तावीज डालने के लिए भवानी बाबा का रूप धारण किया है। जो आत्मा कोड डाल सकती है वो उसे ठीक भी कर सकती है, और उसने यह चमत्कार इसलिए दिखाया ताकि तुम जैसे मूर्ख और अंधविश्वासी लोगों को वो अपनी चाल और जाल में हमेशा के लिए फंसा सके। उतार के फेंक दो इस ताबीज को, उतार के फेंक दो इस ताबीज को, नहीं तो हम चले। नहीं, हम ये ताबीज कभी नहीं उतारेंगे। जिसने मारना हो वो बचाव के लिए ढाल कभी नहीं देता। नहीं उतारते हो तो मत उतारो, हमें क्या। लेकिन याद रखना नादान लड़की, करवा चौथ की रात तेरी तकदीर का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा। तू विधवा हो जाएगी, विधवा। आज आपके कहने पर ताबीज उतार दे, और कल भवानी बाबा अगर ये कहें कि वो आत्मा तांत्रिक बाबा का रूप लेकर ताबीज उतारवाने आई थी, तो हम यकीन किसका करेंगे? आपका या अपमान, घोर अपमान, तांत्रिक बाबा का अपमान। अब हम यहाँ पर नहीं ठहरेंगे, हम जाएंगे। रुक जाइए बाबा, भगवान के लिए हमें इन मुसीबत भरे सवालों की भूल भुलैया में छोड़कर मत जाइए। किरण,
जब लिखने के बाद लिखने वाला खुद तकदीर नहीं बदल सकता तो हमें इंसानों से ज्यादा तकदीर पर विश्वास होना चाहिए। इन्हें जाने दो। नहीं नहीं बाबा, आप बच जाइए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ये लीजिए, मैं ये तावीज उतार देती हूँ। किरण, इस मूर्ख के गले से भी उतारो जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ, उतरवाती हूँ। सोच लो किरण, सोचो मत। अगर तू भी सोचने लगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मत भूलो कि करवा चौथ नजदीक आ रहा है। सूरज, भगवान के लिए बाबा हमारा भला चाहते हैं, ये निकाल दो, प्लीज उतार दो बाबा, ये लिए। फेंक दे, दूर फेंक दे, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। अब फेंक, जल्दी फेंक। देखा कितनी आग थी इन पाखंडी ताबीजों में, बच गए। बाबा, अब आप ही पर भरोसा है। घबरा मत, समझो कि हमारा काम बन गया। और हाँ, अपने बाप के गले से तावीज उतारना मत भूलना। हाँ। कहीं ऐसा ना हो करवा चौथ वाली रात वो तुम्हारे रास्ते की दीवार बन जाए। नहीं नहीं, धोखा। हाँ पापा, तांत्रिक बाबा हमारा भला चाहते हैं, उतार दीजिए ना ये तावीज। इम्पॉसिबल, जो तावीज बदन से छूते बदन का कोर खा जाए, यकीन नहीं होता कि वो... पापा, यही बात हमने तांत्रिक बाबा से कही थी, उनका कहना भी तो सच हो सकता है। जो कोर्ट डाल सकती है वो अपने जाल में फंसाने के लिए ठीक भी तो कर सकती है। हाँ पापा, प्लीज प्लीज इसे उतार दीजिए। अच्छा, अगर तुम लोग जिद करते हो तो ये लो, जिस तावीज ने तुझे नई जिंदगी दी, तड़प तड़प कर मरने से बचा लिया, उस पर से इतनी जल्दी भरोसा उठ गया तेरा। आप रुक क्यों गए? क्या हुआ पापा, उतारिए ना इसे। नहीं बेटे, तुम लोगों को भरोसा नहीं रहा तो तुमने उतार दिया, लेकिन मुझे तो इसने जीवन दान दिया है, और जो जीवन दे सकता है वो जीवन ले नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं नहीं इसे उतारूंगा। ठाकुर, ठाकुर। कौन है? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती हो? किताब को छोड़ और जिंदगी की किताब पर ठाकुर, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना पढ़ाने आई हूँ। जिस जिंदगी की किताब में तड़प और कसर के सिवा कुछ ना लिखा, उसका कोई पन्ना पढ़ाने से बेहतर है कि उस किताब को फाड़ डाल, मार डाल मुझे। और कितना तड़पाएगी, रहम नहीं कर सकती तो कम से कम जिंदगी से रिहा तो कर दे, अपनी हसरत पूरी कर ले। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो ठाकुर। तू मुझसे डर रही? अब समझा, तू मुझसे नहीं इस तावीज से डर रही है। अब मुझे एहसास हुआ कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं। अगर ये तावीज तेरा दिया हुआ कोड मिटा सकता है तो तुझे जलाकर राख भी कर सकता है। सूरज को देखते ही मैंने तुझे मारने का इरादा छोड़ दिया था, मगर अब मजबूर हूं। अगर आज मैंने तुझे नहीं मारा तो तू ये ताबीज नहीं छोड़ेगा, और करवा चौथ वाली रात को मेरे और सूरज के बीच तू सबसे बड़ी दीवार बन जाएगा। और अब मैं कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकती। Thank you.
अपने आप को संभालो किरण। कैसे संभालू सूरज, कैसे? अभी पापा की मौत का बोझ उतरा नहीं और सामने खड़ी करवा चौथ का बोझ डर बनकर मेरे दिल और दिमाग पर छा रहा है। सुहागन, करवा चौथ का व्रत इसलिए रखती है कि उसकी सुहाग की उम्र लंबी हो। कितनी अभागन हूं मैं, मेरे लिए करवा चौथ ही मेरे सुहाग का काल बनकर आ रही है। तकदीर में जो लिखा है किरण, उसे मिटाने का कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है सूरज, क्यों ना हम वैष्णो देवी के दरबार में चले जाएं? मुझे विश्वास है कि माता की शक्ति के सामने किसी आत्मा की शक्ति नहीं चल सकती। मेरी माँ ही अपनी बेटी को सदा सुहागन रख सकती है। लो, करवा चौथ का चांद देख लो।
रो मत बेटी, ले बेटी तेरी फरियाद का फल ये संदूर बनेगा, जा बेटी ये संदूर ही तेरी मांग की रक्षा करेगा, ये ले, जय माता दी। पति की रक्षा कर, जय माता। Thank you.
इस आत्मा का मुक्त होने का वक्त आ ही गया। हे माँ, मैंने तो सिर्फ अपना सुहाग बचाने की फरियाद की थी, इसे तड़पाने के लिए नहीं। तड़पना तो इस बेचारी के भाग में लिखा है लिखने वाले ने। जीते जी भी और मरने के बाद भी प्यार की तड़प में तड़पती रही। अपने प्रेमी को पाने की खातिर अपने आप को इतने कष्ट में डाल लेने वाली आत्मा का प्यार मेरे प्यार से कई गुना ऊंचा और सच्चा है। मैं इसके प्यार के सामने अपना सर झुकाती हूँ। भगवान के लिए आप इसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए बाबा। देखा निशा, यह है प्यार। जिस प्यार में त्याग हो वो त्याग महान होता है, और उससे भी महान होता है त्याग करने वाला। तुम महान हो किरण, महान हो। नहीं सूरज, त्याग वही करता है जिसके पास त्याग करने के लिए कुछ होता है। अगर तुम्हारी नजरों में त्याग करने वाला ही महान है तो मैं तुम्हें बता दूंगी सूरज कि निशा से बढ़कर ज्यादा सच्चा प्यार किसी का नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा महान भी कोई नहीं हो सकता जिसके पास हल्की सी उम्मीद बाकी हो और वो उसका भी त्याग कर दे। सूरज, सूरज, मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ, लेकिन एक बार तो सूरज दिशा, दिशा तुम्हारा प्यार सच्चा है। दिशा तुम महान हो। कह दो कि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार महान है। कह दो कि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार महान है। कह दो कि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार महान है। निशा, तुम्हारा प्यार ऊंचा है, तुम महान हो। महान आत्मा थी जो तुम्हें इस मुसीबत से मुक्त कर गई। चंडाल आत्मा होती तो तुम्हें जलाकर अपने प्यार का अंधेरा मिटा लेती। मैं जानता हूं निशा की हड्डियों का ढांचा कहां पड़ा हुआ है। उसे इकट्ठा कर लो और उसका अग्नि संस्कार कर दो ताकि उसे मुक्ति मिल जाए और वो दोबारा जन्म ले सके। हाँ सूरज, ये तुम्हें जरूर करना होगा। आओ मेरे साथ। अरे अरे, मैं
मैं तो भूल ही गई, आज हमारा बेटा है ना, वो मेरा इंतजार कर रहा है, उसके कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन है। हम तुम्हें इतना प्यार करें।